हेलो फ्रेंड, मैं एक्समा डेंडवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइड क्लासेस के अंदर। तो फ्रेंड, एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन इज फीमेल इज एक्सेप्ट, कि जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं उसके अंदर जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होता है उसका पार्ट कौन सा नहीं होता है, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा गया यानी कौन सा नहीं होता है। तो मैं आपको फीमेल जेनेटल ऑर्गन की बात करूं तो फीमेल जेनेटल ऑर्गन को अपन तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। जो पहला वो होता है, वो होता है आपका एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है। एक होता है आपका इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन और एक आपका होता है एसेसरी ऑर्गन। तो ये तीन ऑर्गन होते हैं आपके फीमेल जेनाइटल ऑर्गन के अंदर, ठीक है। अगर मैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की बात करूं तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो हमको अपन को बाहर से विजिबल होते हैं। इनको वल्वा या पुडेडम नाम से भी जाना जाता है। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन जो अपन को विजिबल नहीं होते हैं, एसेसरी ऑर्गन के अंदर आपका ब्रेस्ट आता है। अब एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की बात करूं तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के अंदर अगर स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की बात करूं तो बाहर वाली जो स्ट्रक्चर होती है, बाहर वाला जो लिप होता है उसको अपन बोलते हैं लेबिया मेजोरा, और जो अंदर वाला लिप होता है उसको अपन बोलते हैं लेबिया माइनोरा, ठीक है। ये तो होगी आपकी दो लेयर होगी, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा होता है उसके ऊपर यहाँ पर एक सिलेंड्रिकलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको आप बोलते हो क्लाइटोरिस। ये हाईली सेक्सुअल एक्टिव होता है और इसके अंदर हाईली नर्वस सप्लाई प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेक्सुअल एक्टिवेशन का ये काम करता है आपका, ठीक है। और जो लेबिया मेजोरा होती है वो नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर बनाती है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर कमिसर। जहाँ पर लेबिया मेजोरा आके जुड़ती है उस नीचे की तरफ पोस्टीरियर, यानी कह सकते हैं पर एनस के पास में जहाँ पर लेबिया मेजोरा आके जुड़ती है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर कमिसर, और जहाँ पर लेबिया माइनोरा आके जुड़ती है उसको बोलते हैं फोरचिट, ठीक है। तो और ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है आपकी मॉन्स विबिस, जहाँ पर हेयर फॉलिकल्स वो प्रेजेंट होते हैं। बीच में आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अपन वेस्टिबुल। वेस्टिबुल की अगर मैं बात करूं तो वेस्टिबुल के अंदर चार ओपनिंग प्रेजेंट होती है। कितनी ओपनिंग प्रेजेंट होती है? चार ओपनिंग प्रेजेंट होती है। चारों ओपनिंग के नाम की अगर बात करूं तो पहली आपकी यूरिनरी ओपनिंग होती है, यानी जो यूरिन आउटपुट के लिए ओपनिंग होती है वो यूरिनरी ओपनिंग होती है। दूसरी आपकी वेजाइनल ओपनिंग होती है। तीसरी जो तीसरी ओपनिंग होती है वो होती है आपकी बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग, जो आपकी वेजाइनल ओपनिंग के साइडों में प्रेजेंट होती है। और चौथी जो ओपनिंग होती है वो स्किन सेल की जो ग्लैंड होती है उनकी ओपनिंग होती है, जो आपकी यूरिनरी ओपनिंग के साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने जैसे देखा कि वेजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट होती है ना कि वेजाइना प्रेजेंट होती है, ठीक है। और अगर इंटरनल जेनेटल ऑर्गन की बात करूँ तो इंटरनल जेनेटल ऑर्गन के अंदर एक तो आपकी ओवेरी आती है, एक आपकी फ्लोपियन ट्यूब आती है, एक आपका यूट्रस आता है, एक आपकी वेजाइना आती है, और एसेसरी ऑर्गन के अंदर कौन आता है? आपका ब्रेस्ट आता है। तो अभी आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हो कि भाई एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का कौन सा पार्ट नहीं है, वेजाइना, मॉन्स विबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या रह जाएगा, कि राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो राइट आंसर रह जाएगा कि भाई एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का वेजाइना है वो पार्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वेजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर प्रस्थान करें अपन तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भाई के हु इज द फादर ऑफ ओबीजी, ओबीजी के फादर कौन है? ओबीजी के फादर अपन किसको बोलते हैं? डॉक्टर जेम्स मारियो सिम्स को बोलते हैं, एडवर्ड जेनर को बोलते हैं, लुइस पास्टर को कहते हैं, इनमें से कुछ कोई भी नहीं है। तो आपका ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए कि जो ओबीजी का जो फादर है वो अपन किसको कहते हैं? हु इज द फादर ऑफ ओबीजी, ओबीजी के फादर कौन है? तो ओबीजी के फादर है वो आपके जेम्स मारियो सिम्स, वो ओबीजी के फादर के नाम से जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, की जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी स्टडी करने को अपन क्या कहते हैं? तो एंड्रोलॉजी कहते हैं, ऑब्स्टेट्रिक कहते हैं, गायनेकोलॉजी कहते हैं, या फिर नन ऑब्जिया, इनमें से कुछ भी नहीं है। तो अगर फ्रेंड अपन ऑब्स्टेट्रिक की बात करें तो ऑब्स्टेट्रिक के अंदर अपन इंक्लूड करते हैं अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है,
तो उस प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी रिगार्डिंग जो डिसऑर्डर है उनकी अगर अपनी स्टडी करते हैं तो वो ऑब्स्टेट्रिक के अंदर करते हैं। गायनेकोलॉजी के अंदर अपन जो नॉर्मल फीमेल है यानी नॉन प्रेग्नेंट स्टेज है उसके अंदर अगर अपन उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके डिसऑर्डर की स्टडी कर रहे हैं तो उसको अपन गायनेकोलॉजी बोलेंगे, और अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसकी डिजीज पोर्शन की स्टडी कर रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं एंड्रोलॉजी। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या रह जाएगा, राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एंड्रोलॉजी। ठीक है, आगे प्रस्थान करते हैं। तो आगे का क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन को पढ़ें और इसका राइट आंसर है जो भी आपके लगता है वो आप क्या करें, कमेंट करें। राइट आंसर क्या करें फ्रेंड, आप राइट आंसर है वो कमेंट करें। तो राइट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज लोकेटेड एट द एंटीरियर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा एंड इट हाईली सेंसिटिव फॉर सेक्सुअल स्टिमुलेशन। कि ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो लेबिया माइनोरा है उसके एंटीरियर पोस्चर के ऊपर प्रेजेंट होती है और जो सेक्सुअली हाईली स्टिमुलेट होती है। तो इसका राइट आंसर है वो आप कमेंट करें जल्दी से। तो क्या रहने वाला है फ्रेंड, तो अभी देख तो मैंने आपको बताया था कि जो बाहर वाली स्ट्रक्चर होती है वो होती है आपकी लेबिया मेजोरा। बाहर वाली स्ट्रक्चर क्या होती है, लेबिया मेजोरा। उसके अंदर स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं अपन लेबिया माइनोरा। ठीक है, और लेबिया माइनोरा के एंटीरियर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको अपन क्लाइटोरिस बोलते हैं, जो एक हाईली सेक्सुअल स्टिमुलेटिंग है, सेक्सुअल स्टिमुलेशन का काम करता है। सेक्सुअल स्टिमुलेशन का क्या करता है, वो आपके काम करता है। तो ऑप्शन क्या बोला है, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, मॉन्स पिबिस और बाथुलिन ग्लैंड। तो फ्रेंड लेबिया मेजोरा ये स्ट्रक्चर होती है, लेबिया माइनोरा ये स्ट्रक्चर होती है, क्लाइटोरिस का मैंने आपको बता ही दिया, मॉन्स पिबिस जो ऊपर वाला एरिया होता है इसको अपन मॉन्स पिबिस कहते हैं, और जो आपकी वेजाइनल ओपनिंग होती है उसके साइडों में जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है, ओपनिंग प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं बाथुलिन ग्लैंड ओपनिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, इसका राइट आंसर चला जाएगा आपका क्लाइटोरिस के पास। अगला ऑप्शन की अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, कि एक्सरे स्टडी ऑफ फ्लोपियन ट्यूब इज नॉन एज। कि फ्लोपियन ट्यूब की अगर आप एक्सरे स्टडी कर रहे हो तो उसको क्या बोलोगे, सेल्फ इंजियोग्राफी बोलोगे, माइलोग्राफी बोलोगे, कोलिसिस्टोग्राफी बोलोगे या फिर पाइलोग्राफी बोलोगे। तो जो आपकी फ्लोपियन ट्यूब होती है उसको सेल्फिंज के नाम से भी अपन जानते हैं, तो जो फ्लोपियन ट्यूब की अगर अपन एक्सरे स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं अपन सेल्फ इंजियोग्राफी। क्या बोलते हैं अपन उसको, सेल्फ इंजियोग्राफी के नाम से अपन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने पढ़ें और इसका राइट आंसर दें कि भाई राइट आंसर क्या रहेगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेबिया मेजोरा इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर लेबिया मेजोरा का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, प्रोटेक्ट एंड लुब्रिकेंट ड्यूरिंग सेक्सुअल प्रोडक्शन ऑफ लुब्रिकेंट ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल। ये काम होता है आपका बार्थुलिन ग्लैंड का। जो बार्थुलिन ग्लैंड होती है वो क्या करती है, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी है वो लुब्रिकेंट का एल्कलाइन जो फ्लूड है उसका सिक्रेशन करती है लुब्रिकेंट के काम के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ वेजाइनल ओपनिंग एंड क्लाइटोरिस, पासिस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो, जो पासिस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो है वो काम होता है आपकी वेजाइना का। हार्मोनल प्रोटेक्शन की बात करें तो वो काम होता है आपका ओवेरी का। तो एक काम अपना बच गया, वो बच गया क्या, प्रोटेक्शन करना किसको, वेजाइनल ओपनिंग को और क्लाइटोरिस को। ये काम होता है आपका लेबिया मेजोरा का। ठीक है, ये काम किसका होता है आपका, लेबिया मेजोरा का होता है। अगले क्वेश्चन की अगर चलें, विच स्ट्रक्चर कंटेन द ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रल एंड वेजाइनल कैनलान इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो वेजाइनल ओपनिंग है और यूरिथ्रल ओपनिंग है उसको कौन बनाए रखता है, या किसके अंदर वो प्रेजेंट होती है, क्लाइटोरिस के अंदर, मॉन्स पिबिस के अंदर, लेबियम माइनोरा के अंदर और वेस्टिबुल के अंदर। फ्रेंड इसका आंसर अगर आपका गलत होता है इसका मतलब आपने पीछे वाली क्लास को, अभी तक जो क्लास चली है उसको आपने एक फोकस नहीं देखा है। मैंने बता दिया था अभी आपको कि भाई जो लेबियम मेजोरा होती है उसके बीच में एक स्ट्रक्चर, उसके अंदर लेबियम माइनोरा होती है और लेबियम माइनोरा के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको अपन वेस्टिबुल कहते हैं। उसके अंदर चार ओपनिंग होती है आपकी, यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, वेजाइनल ओपनिंग होती है, बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग होती है, स्किन सेल ग्लैंड की ओपनिंग आपकी वहां पर प्रेजेंट होती है। तो यह आपसे पूछ रहा है कि जो यूरिथ्रल ओपनिंग है और जो वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइनल कैनाल है, वो किसके अंदर होती है, तो वो आपके वेस्टिबुल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर आपका वेस्टिबुल है वो राइट आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेट ऑफ द ओवेरी, ओवेरी का वेट है वो कितना होता है, 4 ग्राम होता है, 10 ग्राम होता है, 130 ग्राम होता है, 20 ग्राम होता है। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड कि ओवेरी का वेट है वो कितना होता है,
क्या 4 ग्राम ओवेरी की ओवेरी है वो 4 ग्राम की होती है, क्या ओवेरी 10 ग्राम की होती है, ओवेरी 130 ग्राम की होती है, ओवेरी 20 ग्राम की। तो अगर अपन ऑन एवरेज माने तो ओवेरी वो 3 से 4 ग्राम की आपको देखने को मिलेगी, लेकिन 3 ग्राम कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए अपन 4 ग्राम को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए यहाँ पर 4 ग्राम में वो अपना राइट आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन विच पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी जायकोट डेवलप, कि फीमेल बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर जायकोट बनता है, यानी फर्स्ट जो ह्यूमन सेल है वो बनती है, वो ऐसा कौन सा पार्ट है, क्या वेजाइना में बनती है, फ्लोपियन ट्यूब में बनती है, क्या ओवेरी में बनती है, क्या यूट्रस में बनती है। जो जायकोट होता है वो कहाँ पर बनता है, ओवेरी के अंदर बनता है, आपके फ्लोपियन ट्यूब के अंदर बनता है, यूट्रस के अंदर बनता है, या फिर आपकी वेजाइना के अंदर बनता है। तो आप अपना राइट आंसर कमेंट करिए भाई, कि जो जायकोट होता है यानी फर्स्ट जो सेल होती है, जो स्पर्म होते हैं और ओवम होते हैं, जो दोनों फर्टिलाइज होकर जो सेल बनाते हैं यानी जायकोट बनाते हैं, फर्स्ट ह्यूमन सेल बनाते हैं जायकोट, वो कहाँ पर बनती है, तो वो कहाँ बनती है, आपकी फ्लोपियन ट्यूब में बनती है। और फ्लोपियन ट्यूब में भी अगर पूछा जाए तो कहाँ बनती है, फ्लोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में बनती है, कहाँ बनती है, फ्लोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में बनती है। इसलिए अपना बी आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, राइट रहने वाला है। ठीक है, आगे अगर चले अपन, आगे वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, वॉट इज द फंक्शन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर बार्थोलिन ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि बार्थोलिन ग्लैंड होती है वो एक लुब्रिकेंट का प्रोडक्शन करती है, जो सेक्सुअल क्या करती है, सेक्सुअल अराउजल के समय एक लुब्रिकेंट का काम करती है। ठीक है, तो देखते हैं अपना कौन सा आंसर है वो सही रहेगा। प्रोडक्शन ऑफ लुब्रिकेंट फ्लूइड ड्यूरिंग द सेक्सुअल अराउजल, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, मेचुरेशन ऑफ एग, रेगुलेशन ऑफ मेंसुरल साइकिल। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, कि प्रोडक्शन ऑफ क्या करती है, प्रोडक्शन ऑफ फ्लूड करती है। ठीक है फ्रेंड, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन वो आप लोगों के सामने है। तो फ्रेंड अगर आप लोगों को क्लास के अंदर यहाँ तक पहुँचे हो आप लोग, तो इसका मतलब आपने ये क्वेश्चन है वो देखे हैं और आपको क्लास है वो अच्छी लगी है। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, कि अगर आप लोगों को क्लासेज अच्छी लग रही है, तो मैं क्लास के टाइम ड्यूरेशन, वो आज पहला दिन था अभी क्लासेज दोबारा स्टार्ट करने में, तो अभी क्लासेज के टाइम के ड्यूरेशन मेरे हिसाब से अपनी क्लास 12 से 13 मिनट की हुई है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो मैं आपके लिए मिनिमम 40 से 50 मिनट की क्लास का कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो आप कमेंट जरूर करिए कि सर क्लासेस की लेंथ है वो आप बढ़ाइए, जिससे मेरे को भी पता चले कि कितने स्टूडेंट हैं जो क्लास के लास्ट तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो फोनिक्स इज द पार्ट ऑफ, कि फोनिक्स किसका पार्ट है, तो यूटरस का पार्ट है, वेजाइना का पार्ट है, सर्विक्स का पार्ट है, या फ्लोपियन ट्यूब का पार्ट है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, कि जो फोनिक्स है वो किसका पार्ट है, तो फोनिक्स वो पार्ट होता है वेजाइना का। फोनिक्स किसका पार्ट होता है, वेजाइनल, वेजाइनल पार्ट होता है, वेजाइना का पार्ट होता है, कौन होता है आपका फोनिक्स, वो किसका पार्ट होता है, वेजाइना का पार्ट होता है। ये नंबर में कितने होते हैं, 4 होते हैं। फोनिक्स नंबर में कितने होते हैं, 4 होते हैं। फोनिक्स के अंदर जो कुछ लाइक एस, मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है फोनिक्स की होती है, इनके बीच में जो सर्विक्स होता है वो आपका प्रेजेंट होता है। नंबर में 4 होते हैं, 2 लेटरली होते हैं, एक इसके एंट्रियली हो जाएगा, एक इसके पोस्टीरियर जो होता है। नंबर में कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें।